लास्ट पार्ट में हमने देखा था फुकुहारा को कोई किडनैप कर लेता है। वो किडनैपर एक बैंक रॉबर था। फुकुहारा मन में सोची लगता है, मुझे पता था कि मैं बहुत अनलकी हूँ और मेरे साथ ये सब होता ही रहता है, पर मैं इतनी खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाऊँगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ शिनोमिया को पता भी नहीं था कि फुकुहारा किस सिचुएशन में है। वो बार बार फुकुहारा को मैसेज कर रहा था लेकिन फुकुहारा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तभी जब वो टीवी ऑन करता है तो वो न्यूज़ में देखता है फुकुहारा के घर पे किसी बैंक रॉबर ने कब्जा कर लिया है और वो कम से कम 15 घंटे से अंदर बंद है। वो न्यूज़ देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फुकुहारा सोच रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी का अंत यही हो जाएगा? और उसे तुरंत शिनोमिया की याद आने लगती है। वो खुद से कहता है, मेरी पूरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी अनलकी चीज़ें क्यों ना हुई हों, लेकिन शिनोमिया से मिलना मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का पल था। काश मैं शिनोमिया के साथ थोड़ा और समय बिता सकता, मैं उसके साथ होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शिनोमिया भागा भागा फुकुहारा के घर तक पहुँच जाता है। वो पुलिस से नज़र बचाते हुए अंदर तक चला जाता है। शिनोमिया बाहर से ही कहने लगता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, आप चाहे तो आप मुझे अंदर किडनैप करके रख सकते हैं, पर प्लीज़ आप फुकुहारा को छोड़ दीजिए। वो बैंक रॉबर जैसे ही शिनोमिया की तरफ देखता है वो तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और ख़ुद को सरेंडर कर देता है। वो बैंक रॉबर दरअसल एक फ़ीमेल लेडी थी जिसे अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसने जो गन अपने साथ रखी हुई थी वो भी एक टॉय गन थी। शिनोमिया उसे कहता है, आगे से प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा, और उसे मुस्कुराते हुए बाय भी बोल देता है। वो लेडी भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए जा रही थी। ये देखकर फुकुहारा सोचने लगता है, शिनोमिया को सच में सब तुरंत पसंद करने लग जाते हैं। जब वो दोनों मिलकर कॉलेज पहुंचते हैं तो सारी स्टोरी अपने दोस्तों को बताते हैं। शिनोमिया उनसे कहता है, उस लेडी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके पहले प्यार जैसा दिख रहा था, वो मेरे सामने रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती है। उसने कहा था कि उसने पैसे इसीलिए चुराए थे क्योंकि वो उसे अपने फेवरेट आइडल पर खर्च करने थे। सारे दोस्त इस बात पर हंसने लगते हैं। अब वो सब लोग मिलकर फुकुहारा से कहते हैं, ये तो हमें पता था कि तुम्हारे साथ काफ़ी सारी अनलकी चीज़ें होती हैं, पर इस बार तुम सच में बच गए हो। तभी शिनोमिया को उसका एक दोस्त बात करने के लिए बुला लेता है। शिनोमिया के जाते ही शिनोमिया के सारे दोस्त फुकुहारा से कहते हैं, वो तुम्हारी सच में बहुत परवाह करता है फुकुहारा, तुम दोनों के बीच क्या क्या चल रहा है? फुकुहारा शाय फील करने लगता है और उनसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब शिनोमिया और फुकुहारा साथ में जा रहे होते हैं तो फुकुहारा उससे कहता है, शिनोमिया तुम्हें पता है बचपन से आज तक जब भी मेरे साथ कुछ भी गलत होता था मैं सोचता था कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं खुद को लोगों से दूर रखता था और एक नॉर्मल सी लाइफ जीता था, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे फील होने लगा है कि मैं भी डेली मज़े कर सकता हूँ। तभी शिनोमिया उससे कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ रहने लगे? तो फुकुहारा कहता है, अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शिनोमिया कहता है, मेरे कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे और तुम्हारे साथ अनलकी चीज़ें बहुत कम होंगी। फुकुहारा कहता है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं, मुझे खुशी है कि तुम मेरी परवाह कर रहे हो, पर मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे लक की वजह से नहीं होना चाहता, मैं अब जेन्युइनली तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरा ये मिसफॉर्च्यून इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इसने मुझे तुमसे मिलवाया। तभी शिनोमिया उससे कहता है, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। शिनोमिया उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बहुत लंबे समय से जानता आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें तब से जानता आया हूँ जब हमारी एंट्रेंस सेरेमनी थी और मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पहली बार ही देखकर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि तुम वैसे तो अपने आसपास के लोगों की खुशी चाहते हो, पर अपने अनलक की वजह से हमेशा उनसे दूरी बनाए रखते हो। जैसे जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता गया था मैं तुम्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों काफ़ी तरीके से सिमिलर हैं। ये सुनकर फुकुहारा कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं सबसे बड़ा अनलकी हूँ और तुम सुपर लकी हो, हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? शिनोमिया कहता है, क्योंकि मैं भी अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखना चाहता था, जिस वजह से कुछ लोगों ने मुझे यूज़ करने की भी कोशिश की। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं भी अपने आसपास के लोगों के साथ डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि वो सिर्फ मेरे लक की वजह से मेरे साथ हैं। पर उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ होना चाहते हो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ऑफ कोर्स मैं जानता था कि तुम क्यों मेरे साथ होना चाहते हो, पर फिर भी मैं खुश था क्योंकि तुम्हारी वो स्माइल देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पहली बार किसी ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल आइज़ के साथ देखा था, तुम्हारी आँखें सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं।
उस दिन जब हम दोनों डेट पर जाने वाले थे और तुम टाइम से नहीं पहुंचे थे, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, और मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, और आखिरकार शाम तक तुम मेरे पास आ ही गए थे। तुम्हें सेफ देखकर मैं बहुत खुश था। फुकुहारा कहता है, इसका मतलब उस दिन तुम पूरे टाइम तक मुझे ढूंढ ही रहे थे। शिनोमिया कहता है, हाँ, जितना ज़्यादा समय हम साथ में बिताने लगे थे, उतने ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगा था और तुम्हारी परवाह करने लगा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हम फेक लवर्स ही क्यों ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तभी फुकुहारा कहता है, नहीं, हम फेक लवर्स नहीं हैं। मैं अब तुम्हारे साथ इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मैं अनलकी हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हारा लवर हूँ। अचानक से शिनोमिया हंसने लगता है तो फुकुहारा कहता है, तुम इस तरह मेरी लव कन्फेशन पर हंस नहीं सकते। शिनोमिया कहता है, मैं नहीं हंसूंगा, पर प्लीज़ एक बार और कहो ना। फुकुहारा कहता है, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। अगली बार शिनोमिया और फुकुहारा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि फुकुहारा टिकट्स हार गया था। सारे दोस्त शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है शिनोमिया, तुम तो 100% हमेशा जीतते आए हो। तभी एक दोस्त उसके पास आकर कहता है, कहीं तुम्हारे आसपास कोई ऐसा तो नहीं जो तुम्हारी लक को ख़राब कर रहा है। ये सुनकर फुकुहारा सोचने लगता है, ये सब ज़रूर मेरी वजह से हो रहा होगा। जब दोनों बाहर आते हैं तो शिनोमिया फुकुहारा से कहता है, क्यों ना हम दोनों एक और डेट पर चलें। फुकुहारा उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो शिनोमिया, वो लोग जो कह रहे हैं वो सच है, मेरे साथ रहने की वजह से तुम्हारी लक पर भी असर पड़ रहा है। तो शिनोमिया उसे कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लक की कोई परवाह नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिता पा रहा हूँ। फुकुहारा कहता है, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ रहने के लिए। तो शिनोमिया कहता है, क्यों ना आज रात हम कहीं और स्पेंड करें। आखिरकार दोनों को अलग अलग अपने अपने रास्ते जाना पड़ता है। फुकुहारा सोचने लगता है, काश मैं उसके साथ रह सकता, पर मैं उसके साथ तभी रहने के लिए जाऊँगा जब मुझे ऐसा फील होने लगेगा। फिलहाल मुझे अनलकी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि शिनोमिया हमेशा मेरे साथ है। ऐसा कहते हुए जैसा ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, उसके घर में फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और आखिरकार उसे शिनोमिया के पास वापस आना पड़ता है। शिनोमिया कहता है, मुझे पता है कि तुम आओगे, मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी रेडी कर लिया है। फुकुहारा उससे कहता है, क्या मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? शिनोमिया कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम वापस आ रहे हो, तो मुझे लगा कि तुम हमेशा के लिए आ रहे होंगे। फुकुहारा कहता है, हाँ, पर मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर रहने लगा हूँ, जो गलत है। तो शिनोमिया कहता है, पर मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर निर्भर रहते हो। तो फुकुहारा कहता है, प्लीज़ मुझे बस आज रात रहने दो। तभी शिनोमिया उसके नज़दीक आता है, उसे लगता है कि वो किस करने वाला है, पर शिनोमिया उसके पास से उसका लगेज उठा लेता है और उससे कहता है, तुम जब तक चाहे रह सकते हो। रात के समय दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। फुकुहारा शिनोमिया से कहता है, तुम्हारा वो दूसरा वाला एयर बेड कहाँ है? शिनोमिया कहता है, उसकी सारी एयर निकल गई है, तो अब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे बेड पर ही सोना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। फुकुहारा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस तरह एक बेड पर सो पाएंगे? शिनोमिया कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूँ? फुकुहारा अचानक शाय फील करने लगता है और अपना फेस छुपा लेता है। शिनोमिया हंसने लगता है और फुकुहारा को गुड नाइट बोलकर सो जाता है। फुकुहारा को नींद नहीं आ रही थी। कुछ टाइम बाद शिनोमिया उससे कहता है, तुम जागे हुए हो ना? फुकुहारा कहता है, नहीं, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। इस तरह उस रात भी उन दोनों में कुछ नहीं होता। अगली सुबह फुकुहारा शिनोमिया से पहले जाग जाता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। वो उसे देखकर सोचने लगता है, रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, पर मुझे फिर भी थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है। ऐसा कहकर वो उसे चीक्स पर किस कर लेता है। शिनोमिया का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फुकुहारा कहने लगता है, तुम अभी भी नहीं जागे हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी शिनोमिया कहता है, तुम तब मुझे किस क्यों नहीं करते जब मैं जागा हुआ होता हूँ? तो फुकुहारा कहता है, तो तुम जागे हुए थे? शिनोमिया अचानक उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शिनोमिया उससे कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फुकुहारा भी उसे गुदगुदी करने लगता है, और इसी क्यूट से सीन के साथ हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत प्यारी लगी होगी। नेक्स्ट सीरीज़ मैं जल्द ही स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।